और चलिए सीधे बात करेंगे पटना की, जहां विपक्षी दलों की महाबैठक खत्म हो चुकी है। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली। 15 दलों के 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की थी। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ये तमाम बड़े नेता 15 अलग अलग दलों से यहां पर पहुंचे थे। और अब ये जानकारी कि यह बैठक खत्म हो गई है। विपक्षी एकता के मद्देनजर इस बैठक को बुलाया गया था। यही रणनीति थी कि किस तरह से भाजपा को चैलेंज किया जा सके, ऑपोजिशन सख्त हो, इसी तैयारी में विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई गई थी। सहयोगी आनंद से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। आनंद, आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बैठक अब लगभग 4.25 घंटे तक चला, लगभग 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 4.25 बजे तक ये बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में कई सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। एक जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ देर के बाद प्रेस वार्ता में किया जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के तो तमाम पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी बात हो रही है और बीजेपी के खिलाफ हमला किया कैसे किया जाए, उसकी रणनीति क्या है, उस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एक कमेटी बनाने की बात कही है जो तमाम पार्टियों के साथ तालमेल बैठाएगा, सामंजस्य बैठाएगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत गठबंधन बन सके। एक मुद्दे इस पर भी चर्चा हुआ कि जो आज 15 पार्टियां शामिल हुई थी बैठक में, वो 15 पार्टियों की एकजुटता बनी रहे, उसके लिए आगे आने वाले समय में बैठक होगी। और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की जो बात इस बैठक में सामने आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहल पर ही राजधानी पटना में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिसके तमाम बड़े विरोधी दल के प्रमुख नेता है इस बैठक में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है, ये बैठक एक तरीके से महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि इस बैठक में क्या कुछ। चलिए देखना होगा आनंद, किस तरह के ऐलान आगे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।